चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी की बंपर जीत को लेकर आज राजधानी दून में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जहां तमाम विधायक और मंत्री ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। पुष्कर सिंह धामी ने 13 राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को परास्त किया। वहीं चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को करीब 57,000 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को कुल 3,147 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 मत प्राप्त हुए। नोटा को 372 वोट ही मिल पाए। धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर जब सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया और ये ऐतिहासिक जीत भी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने दलगत भावना से ऊपर उठकर पुष्कर सिंह धामी को जो विजय दिलाई है, उसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा मैं वहाँ की जनता को दूँगा।